ये टेस्टामनी एक ऐसी टेस्टामनी है जो मैं ना तो उस भाई की मैं आपको पिक्चर दिखा सकता हूं, ना ही मैं उसे सामने लेकर आ सकता हूं, क्योंकि वो सीक्रेट ऐसे खुब बोलो क्या है, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज है। हाँ, अगर वो उसकी पिक्चर दिखाई जाए तो अगर उसको सामने लेकर आया जाए तो कल को लोग उसे देखेंगे, अच्छा ये ऐसे था इसका है। पर वो ये बात उसने मुझसे शेयर तो की, परमेश्वर ने उसे कैसे आजाद किया। हो सकता है वो भाई आप में से हो सकता है वो ऑनलाइन भी है, समझते हो, मैं तो इतना बता सकता हूं, पर वो है और उसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। बोलो क्या क्या, क्योंकि उसे गुप्त रोग से परमेश्वर ने आजाद किया। क्या किया? गुप्त रोग से। और उसकी मैं आपको फोटो तो नहीं दिखा सकता, पर आपको आपके मन को हाँ कि कौन है वो, उसके लिए मैं एक यानी मैंने ऐसे सिर्फ पिक्चर ऐसे ली कि समझो कि वो भाई ये है। हाँ, अब वो पिक्चर दिखाओ मेरे साथ लेकर, मुझे साथ लेना, वो पिक्चर दिखाओ मुझे साथ लेना। मान लो ये भाई वो है, बोलो क्या है, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देखो, मान लो ये भाई वो ही भाई है। पर ये क्या कर रहे हो, अभी रखो दो मिनट, सोचो कि ये भाई साहब वो ही है, मगर कौन है कुछ नजर नहीं आ रहा। हाँ बोलो कौन है, कुछ नजर नहीं आ रहा है ना। ये पिक अभी उनको बोलो थोड़ी देर रखो, समझ आ रही। और ये क्योंकि इन्होंने जब इनके जीवन में परमेश्वर ने काम तो किया भाई साहब के, पर ये कहते नहीं, शर्म आती मुझे, लोग क्या कहेंगे, हाँ कि मैं ऐसा था। हाँ तो मैंने छोड़ दिया, मैंने ये चीज छोड़ दी कि ठीक है भाई, अगर आपका मन नहीं है तो जबरदस्ती तो परमेश्वर भी नहीं काम करता कोई भी चीज। पर मैं कल प्रार्थना कर रहा था और इसके लिए परमेश्वर ने मेरे मन में ढाला कि आप इस तरह से हाँ मेरी महिमा के लिए इस तरह से ये गवाही को दो, पर दो। बोलो क्या करो, अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा गुप्त रोग है, बोलो क्या है, और इसका गुप्त रोग मैं पहले आपको बताता हूं क्या है, क्योंकि इसे जैसे मर्दानगी की वीकनेस जो कमजोरी है और कुछ बचपन की गलतियों के कारण, बोलो क्या है, बचपन की गलतियों के कारण इसकी बॉडी में जो वीकनेस आ गई, कमजोरी आ गई, इसने उसके लिए अपनी उस चीज के लिए बहुत सी मेडिसिन खाई, सालों खाई, एलोपैथ अंग्रेजी दवाई, देसी दवाई, होम्योपैथी तीनों, और लंबा समय तक खाई पर कुछ नहीं हुआ। अभी थोड़े समय पहले ही बोलो क्या है, छे जो मिनिस्ट्री की पॉजिटिव शिक्षा, बोलो पॉजिटिव विश्वास के परमेश्वर आपके लिए कर चुका है, सिर्फ आप मुंह से धन्यवाद दो। क्या दो, अपने मुंह से धन्यवाद करो कि हो चुका है, क्या है बोलो। और एक दिन इस भाई ने खुशी से मुझसे बात की कि परमेश्वर ने मुझे उस सालों की प्रॉब्लम से, जिसके लिए मैंने इतनी मेडिसिन, हजारों रुपए की मैंने मेडिसिन खाई, शायद हजारों से भी पता नहीं, शायद वो कहता मुझे पता नहीं, अगर अनुमान लगाए तो वो लाखों में भी ऐसे जा सकती, इतने सालों में मैंने इतनी खाई। कभी इसने क्या किया, भी एक खाई और उसका उस मेडिसिन ने कोई काम नहीं किया, उसे छोड़ दिया, फिर दूसरी, हाँ फिर देसी बहुत देर तक खाई, छोड़ दी, फिर खाई, फिर छोड़ दी, फिर मन खराब, ऐसे चल रहा था। और लास्ट में इसने होम्योपैथिक को लिया, उसको भी कहते एक बार खाई, फिर छोड़ दिया, फिर खाई, उससे भी कुछ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, उससे भी कुछ भी नहीं हुआ। और आज परमेश्वर ने उस गुप्त रोग से, इसकी उस मर्दानगी की जो कमजोरी है, परमेश्वर ने इसे टोटली फ्री कर दिया। मैंने क्या कहा, परमेश्वर ने इसे टोटली फ्री कर दिया, टोटली पूरी तरह से, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है।
जिसने अपने वचन में कहा, हे मनुष्य, मैंने अपनी बड़ी सामर्थ्य इस पृथ्वी और आकाश को बनाया, और हे मनुष्य, तेरा काम मेरे लिए कोई भी कठिन नहीं है। क्या नहीं है? तेरा काम मेरे लिए कठिन नहीं है। समझते हो? अगर आपके जीवन में भी ऐसे कोई खूब कोई सीक्रेट आपकी टेस्टामनी है और परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया, पर आप शर्माते हो सकता किसी, जैसे उस लड़के ने अभी अपनी टेस्टामनी दी कि बचपन से कुछ लड़कों ने, मेरी मां की डेथ होगी, मैं इतने साल का था, कुछ ऐसे गंदी वीडियो दिखाकर ऐसा हो गया मेरे साथ। हाँ, हो सकता कुछ लेडीज हो, भाई हो, बहने हो, हाँ समझते हो, जंग लड़कियां भी हो। देखो, क्योंकि जब तक हम अपने पाप से अपने मन को फिराएंगे नहीं, है ना, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा है तो सेम आप प्रभु की महिमा के लिए सेम ऐसे, अगर आप सामने नहीं आना चाहते, आप अपनी फोटो नहीं देना चाहते, तो इस तरीके से आप प्रभु की महिमा कर सकते हो। बोलो, क्या कर सकते हो? इस तरीके से आप प्रभु की महिमा कर सकते हो। और ये बात मुझे यहोवा ने दी। हाँ, क्योंकि ये काफी समय पहले परमेश्वर ने इसे हील कर दिया था। क्या कर दिया था? कुछ महीने पहले। पर अभी परमेश्वर ने मुझे अपनी शुभ इच्छा के द्वारा अपनी इस महिमा को, हो सकता कि ये परमेश्वर ने ये बात, ये गवाही इस तरीके से देने के लिए मुझे क्यों उकसाया, मुझे विश्वास है कि इस गवाही को सुनने के बाद बहुत से जो लोग इस प्रॉब्लम में, वो हील होंगे, वो चंगे होंगे। क्या होंगे वो लोग? वो चंगे होंगे। ये गवाही क्यों परमेश्वर ने मुझे ऐसे आत्मा में दी? कुछ लोगों की जरूरत है, और आज परमेश्वर, मैं जानता हूं इस गवाही के द्वारा उन लोगों की जो खटी है, उनके जीवन में जो प्रॉब्लम है, समस्या है, जो कमजोरी है, इस गवाही को सुनने के बाद वो भी हील हो जाएंगे। मैंने कहा वो भी चंगे हो जाएंगे। मैंने कहा वो भी चंगे हो जाएंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया।